अस्सलाम वालेकुम बड़ीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं सब दोस्त? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं हूं सज्जाद और आज जो हमने देखना है वो देखना है जी जिन। कल हमने देखी थी द डे मतलब दिन, आज हम देखने वाले हैं जिन। तो गाइस, आपको बता दें कि कल हमने एक मूवी का ट्रेलर देखा था, बांग्लादेश और ईरान के मतलब जो मिलकर बना रहे हैं, तो कोरोना की वजह से वो मूवी डिले हो गई है अभी रिलीज में उसकी में, लेकिन सुपर्ब यार, ऐसा एक्शन और इतनी ज़बरदस्त मूवी, मैं कहता हूँ कि आप लाजमी हमारे चैनल पर जाएं, ठीक है, और उस मूवी का ट्रेलर जो है वो लाजमी देखें जो हमने रिएक्ट किया था। तो बहुत ज़बरदस्त मूवी है यार, द डे दिन, बांग्लादेश और ईरान जो है वो बना रहे मिलके। ओके, तो आज हम कल हमने दिन देखी थी हमने कल, तो आज हम देखने वाले हैं जिन। तो जिन मूवी कैसी है बांग्लादेश की? काफ़ी दोस्तों ने कल कमेंट किया कि आप जिन देखें, तो जिन को देखते हैं जी। तो इसके बारे में आपको बता दें कि नादर चौधरी ने डायरेक्ट किया है इस वीडियो को और स्टार्स में हैं जी पूजा, शजल, रोशान, मून और भी काफ़ी हैं, और तकरीबन 3 करोड़ जो बांग्लादेशी टका है वो इस मूवी के ऊपर इसकी लागत आई है। तो गाइस, ट्रेलर देखते हैं पहले मूवी का, बाद में इसके ऊपर करेंगे बात कि ये मूवी कैसी है। तो जैज मल्टीमीडिया जो है वो प्रोडक्शन की है, तो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो का ट्रेलर। साइंसेर व्याख्या जेखने शेष, धर्मेर व्याख्या सेखान थेके शुरू। ओके, कुरान जो दी विश्वास हॉरर टाइप की मूवी है, जिन मतलब बूज, ठीक। जैज मल्टीमीडिया प्रेजेंट। তাহলে জিন আছে এই কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। अकेले मत देखिएगा भाईजान, कमजोर दिल वाले लोग जो है वो हॉरर मूवी ना देखा करें यार। हार्ट अटैक का जो जिम्मेदार जो है वो जैज मल्टीमीडिया नहीं होगा जी, आपको बता दें। रिलीज हो रही है 13 मार्च 2020 को। गाइस, ये तो गुजर चुकी है मतलब रिलीज डेट इसकी, तो आई थिंक ये रिलीज हो गई होगी। तो मतलब जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है, अगर ये रिलीज हो गई है, क्योंकि 13 मार्च था और मे बी कोरोना की वजह से ये भी डिले हो गई हो कोविड की वजह से, तो अगर इस बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये मूवी रिलीज हो चुकी है या मतलब अभी होना है, क्योंकि काफ़ी जो मूवीज़ हैं वो जब 13 मार्च है तो मे बी इट्स हाईली पॉसिबल के ये डिले हो गई हो। लेकिन आप लोग जो है कि आपने कमेंट करके बताना है कि ये मूवी रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ। तो मूवी का ट्रेलर बहुत शॉर्ट था, तकरीबन 2-2.5 मिनट का तो होना चाहिए, 1 मिनट का भी ट्रेलर नहीं है, लेकिन ट्रेलर जितना था उतना ऑसम, तो इट मींस कि मूवी जो है वो अच्छा होने वाला है। अगर हॉरर हम कैटा इसको देखें कि हॉरर के हवाले से देखें, तो मूवी जो है जो मतलब हॉरर मूवी के शौकीन हैं तो उनके लिए एक अच्छा मूवी है। तो यही था आज का वीडियो, शॉर्ट सा है, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। बांग्लादेश में इतनी ज़बरदस्त मूवीज़ बन रही हैं, तो थैंक यू। बहुत से लोगों ने बोला कि आप बांग्लादेश की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी एक्सप्लोर करें, तो वाकई यार बांग्लादेश की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और मैं तो ये कहूँगा कि बांग्लादेशी जैसे इंडियन साउथ इंडियन मूवीज़ जो हैं वो डब होकर उर्दू और हिंदी डब में आती हैं और पाकिस्तान में लोग देखते हैं, तो ऐसे ही बांग्लादेश की जो मूवीज़ हैं वो भी उर्दू डब में होकर या हिंदी डब में पाकिस्तान अगर हों उनको डब किया जाए तो वो पाकिस्तान में बहुत फेम हासिल करेंगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ हैं यार। स्टोरीज ये वो हम देख रहे हैं, द डे मूवी नहीं मुझे बोल रही, दिन कल वाला जो ट्रेलर है वो तो एक्सीलेंट है। तो जैसे ही वो मूवी रिलीज़ होता है तो आपका भाई इंशाल्लाह उस मूवी को तो लाजमी देखने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त मूवी है। तो यही है आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ट्रेलर? ट्रेलर तो शॉर्ट था लेकिन अच्छा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखा जाए लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो ओके, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।